कि हम तो नहीं जीतेंगे, मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे ना हो बबुआ, हमने के पागल थोड़े हैं जा, हमने के बुझेबे ना करी। भैया देखिए, ये तो सीधा मतलब क्या कहा जाए, इसको हम कहेंगे कि ये घोषणा है हार मानने की, कि हम तो नहीं जीतेंगे, मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी हम डिस्टर्ब कर दें, तो ऐसा करने से यही है कि मुझे लगता है ऐसा करने से ये गलती होगा कि कोई तीसरा निकल जाएगा, इसलिए मुझे लगता है ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। भाई जैसा ही हूँ मैं भी, अगर हम लोग जाते तो इसमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी लोगों को भ्रमित करने की। नहीं, ये आनंद को देखिए, ये आनंद कर, ये आनंद को काटने का प्रयत्न है, ये आनंद, ये ना कि आनंद आनंद करके ये काटने का प्रयत्न है। आपको भी पता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही छोटी, मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही चीप टैक्टिक्स है करने का, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था ये, मतलब हमने ऑलरेडी कर दिया है इसकी शिकायत, हमने अपनी नहीं, मुझसे नहीं डरा है। वो होता ना कि आदमी अपनी हार को लेके जब निश्चित हो जाता है कि तो हम हार ही रहे हैं, तो इसको भी हम काट दें, तो ये करके ये गलती कर रहे हैं कि इसमें फिर जो तीसरा पक्ष है कोई, उसको फायदा मिल जाएगा, तो ये गलती कर रहे हैं। बड़ा तो नजर आ रहा है, लगा रहे हैं जी शाम, दंड भेद देखिए ये चीज़ सभी लगा रहे हैं, लेकिन हम यही बार बार कहते हैं कि देखिए ये वक्त आ गया है, श्री राम जी की शिक्षा भूमि रही है, यहाँ पे हम सकारात्मक राजनीति शुरुआत किया जाए। बट यस, ये लग रहा है साम दाम दंड भेद सब कुछ लग रहा है, और लेकिन हम इससे तैयार हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब में जोश खरोश है। मैं गाँव तक गया, हम जो हमारे जो बहुत ही मतलब क्या कहे हुए वृद्ध लोग भी हैं उनसे भी, तो सब कह रहे हैं ना हो बबुआ, हम के पागल थोड़े हैं जा, हमने के बुझेबे ना करी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, नहीं इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया ना कि कौन जीत रहा है, ये तो स्पष्ट है। अब लोगों में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि कौन जीत रहा है, जब इतना कोई चीज़ कोशिश करने लगा तो ये स्पष्ट हो गया। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप इसको लेके अब किसी तरह के संशय में मत रहिए, हम लोग जीत रहे हैं, भारी मतदान से हम लोग को जिताना है, और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि बक्सर ने एक निर्दलीय को इतने मार्जिन से जिताया है जो कि कभी न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा।